बड़वानी जिले में पुलिस ने कार सवार को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल व 7 पेटी शराब जब्त की गई है। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए कार को राजपुर के बाजार में घुसा दिया। यहां बाजार में लगे हाथ ठेला और 2 बाइक को टक्कर भी मार दी। आरोपी पुलिस से बचने के लिए कार को बाजार में दौड़ाता रहा। इस दौरान पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करते रहे। इसका वीडियो भी सामने आया है। आरोपी को रोकने के लिए रास्ते पर स्टॉपर भी लगाए, लेकिन वह कार से टक्कर मारते हुए निकल गया। इससे 3 लोगों को मामूली चोट आई है। काफी मशक्कत के बाद राजपुर थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। थाना प्रभारी यशवंत बड़ोले ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक कार पलसुत की से राजपुर की ओर जा रही है, जिसमें अवैध रूप से शराब व हथियार है। पुलिस को देखकर कार चालक भागने की कोशिश करने लगा। गुरुवार को राजपुर के हाट बाजार होने से रोड पर ट्रैफिक था। कार चालक गाड़ियों को ठोकते हुए जुलवानिया रोड की ओर आ गया। बैरिकेड्स तोड़कर गाड़ी निकाल ली। ट्रैफिक ज्यादा होने से वह कार को छोड़कर भागने लगा। तभी पुलिस के द्वारा पीछा कर उसको पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान रवि पिता रंजीत नायक निवासी हतौला उम्र 28 वर्ष थाना अंजड़ के रूप में हुई है। उसके पास से 7 पेटी शराब, 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। वाहनों को टक्कर मारने कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हम लोगों को गुर्गे से सूचना मिली थी कि एक सफेद कलर की मीटर मिस्टर कार है, जिसमें अवैध रूप से शराब और उस व्यक्ति के पास एक कट्टा भी रखा हुआ है। सूचना पर मेरे द्वारा एक टीम गठित करके टीम को लगाया गया था। मैंने एक टीम दरौंदा पंजे पर खड़ी थी, एक टीम श्रीराम चौक पर खड़ी थी और एक टीम यहाँ पर खड़ी थी थाने के सामने। जैसे ही वो कार निकली, मेरे द्वारा उसका पीछा किया गया, उसको रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वो कार रुकी नहीं और तेज गति से इधर अपने श्रीराम चौक की तरफ आ गई। हम लोगों ने पीछा किया, पीछा करने के बाद उस कार को मारा और 3-4 गाड़ियों को ठोका भी गया है। बड़ी हिकमत आमली से हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस और उसकी गाड़ी को चेक करने पर 7 पेटी अवैध शराब मिली है। अभी मामला उसके खिलाफ पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस ने ले लिया गया है।